गाड़ी घूम रही है, वो जगह दिख रही है, दिख भी रही है, होटल की भी दिख रही है, लेकिन जहाँ टक्कर हुई है वो कहाँ दिख रहा है। उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ बैठी थी, अगर बाइक पे उसके साथ है तो अगर गिरी है तो उसको ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है कि उठ के भाग जाओ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली के कंझावला में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। याद है ना 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ इसी देश की राजधानी दिल्ली में कैसी हैवानियत हुई थी और अंतोगत्वा उसकी मौत हो गई थी। अब उसी निर्भया की माँ पहुँची है दिल्ली के अंजलि के घर और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है माँ ने, ये सुनिए जरा। अगर लड़की के साथ दूसरी बच्ची लड़की थी तो कम से कम उसको एक कॉल तो करना चाहिए। उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ बैठी थी, अगर बाइक पे उसके साथ है तो अगर गिरी है तो उसको ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है कि उठ के भाग जाओ, कोई मर रहा है तो कम से कम उसके माँ बाप को खबर करो, घर में किसी को बताओ। तो हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी केस उलझ गई है। रुक तो जाओ, दो मिनट बता रहा हूँ। कभी भी करेगी तो पुलिस ही करेगी। और अगर ईमानदारी नहीं रही जो और जो वर्जन बदल रहा है, पुलिस का वर्जन बदल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का वर्जन बदल रहा है। बात यह है कि हम मान लेते हैं कि एक्सीडेंट ही हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सच है, तथ्य है, वो सामने आ रहा है। बिल्कुल ये बात है नहीं हमारे, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि गाड़ी घूम रही है, वो जगह दिख रही है, दिख भी रही है, होटल की भी दिख रही है, लेकिन जहाँ टक्कर हुई है वो दीपक नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट भी करी है। उस टाइम प्रशासन की लापरवाही के कारण ये काम हुआ है। जहाँ टक्कर हुई है वो भी तो आना चाहिए, जहाँ टक्कर हुई है। निर्भया की माँ का मानना है कि पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती और जब निधि सामने आई यानी दोस्त सामने आई तो उसने जो कुछ भी कहा उसे संशय और बढ़ गया है। कैसे कि निधि कह रही है, एक तो दो दिन बाद वो सामने आती है, उसके बाद आने के कह रही है कि वो नशे में थी, स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी और साथ में ये भी जोड़ रही है कि स्कूटी पे वो भी थी। सोचिए कि जो आगे चला रहा है वो तो काल के गाल में समा गया, उसकी जिंदगी पहियों ने ले ली और पीछे बैठी निधि को कुछ नहीं हुआ और वो निधि मौके से चली जाती है और जा करके घर में सो जाती है, दो दिनों तक सामने नहीं आती है। यहीं से गुत्थी और उलझती जा रही है। जो अंजलि है यानी जो मृतका है उसके मामा और माँ का कहना है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो जो पांचों हैं उनसे निधि के कनेक्शन के वो आरोप लगा रहे हैं और निधि के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब जैसे ही निर्भया की माँ वहाँ पहुँची है फिर से वहाँ का माहौल दूसरे तरीके का हो गया है और इधर आप एक वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से निधि के घर पुलिस पहुँची है फिर से पूछताछ करने के लिए। यानी कि अभी गुत्थी सुलझनी बाकी है, सभी की सभी बातें जो है सामने नहीं आ रही है, कहाँ क्या छिपाया जा रहा है, बीजेपी के नेता का जो रोल है क्या वास्तव में वो है, क्या उसको बचाया जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या निधि कहीं से कनेक्टेड है, वो भी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। तीसरा सवाल, पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। यदि निधि के नाम से होटल में कमरा बुक था तो अंजलि वहां क्या करने गई थी, निधि और अंजलि में झगड़ा क्यों हुआ था, क्या स्कूटी चलाने को लेकर के हुआ था या कोई और बात है। चौथी बात, दिल्ली पुलिस को फोन कॉल से और चश्मदीदों ने चौकी पर जाकर के बताया था दिल्ली पुलिस कहां सोती रही और फिर डीसीपी को इतनी जल्दी बाजी क्या थी इसे एक्सीडेंट साबित करने की। बहुत सारे सवाल हैं और स्पेशल सीपी को जांच भी सौंप दी गई है। गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तस्वीर साफ नहीं होगी। देखते हैं कि तस्वीर साफ होती भी है या और उलझती जाती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।